सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू ब्लॉग गाइस। तो कैसे हैं आप? तो इस मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है यहाँ पे पानी डालने से, जो कि अब मेरी बाल्टी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं दूसरी बाल्टी लेके आऊँगा पानी की। तो गाइस, पानी तो चार दिया था, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा नहा भी लिया, घर का काम भी था, घर का काम भी निपटा लिया। लेकिन आज बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि कल 2 तारीख है, हमें 2 तारीख को शाम तक देहरादून के लिए निकलना है और शादी में जाना है। आपको मैंने बताया होगा कि मेरे मामा जी के लड़के की शादी है, तो वहाँ जाना है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं फिर नाश्ता करता हूँ, और आज इतने सारे काम है मार्केट के, सबको यूं करके निपटाना पड़ेगा मेरे को। तो नाश्ता करता हूँ, फिलहाल तो मेरी प्लेट वो रखी है, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर निकलता हूँ। सो गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी, अब चलते हैं मार्केट, निपटाते हैं कुछ सामान, ये गाड़ी की चाबी, और चल ये है अपनी गाड़ी, और इसे करते हैं स्टार्ट और चलते हैं। जाना रेड लाइट, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ठीक रेड लाइट के सामने। मेरा SBF आपका, और आपको याद होगा कि जो मेरे पहले शॉपिंग वाले ब्लॉग में मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आया था अपनी सिस्टर्स के साथ, अब वो कपड़े सिल चुके हैं, तो उनको ले जाते हैं यहाँ से। चलो तो गाइस, यहाँ से भी ले लिए मैंने कपड़े, और यहाँ से भी चलते हैं, अब चल रहे हैं तीसरी जगह। सो गाइस, मैं आ रखा हूँ यहाँ पे मोटा नगर में। ये तीसरा काम मेरा ये है कि गाँव से मेरे को फ़ोन आया था मेरी मम्मी का, लेने गाँव से आगे सब्जी, और मेरी मम्मी का मेरे को फ़ोन आया था गाँव से, भैया ने सब्जी भेजी है, और गाड़ी का नंबर भी बता दिया 417, लेकिन भैया ने बोला अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो उसकी फ्रंट सीट में लिखा हुआ सृष्टि, तो उस गाड़ी को ढूंढना है। तो ये मोटा नगर है, यहाँ पे सारी मैक्स वैक्स लगती हैं, तो अब गाड़ी को ढूंढते हैं। मेरे को एक गाड़ी दिख भी रही है, ये इसमें लिखा हुआ है सृष्टि, ये रही। भैया सब्जी भेजी है किसी ने? कहाँ से? लखोली से। लखोली से? ये परवेश भाई की गाड़ी है ना? हाँ, सुनील ने? हाँ, सुनील भाई है। तो गाइस, मिल चुकी है मुझे गाड़ी, और इस गाड़ी से उठाते हैं सब्जी। ये तुम हट गए। थैंक यू भैया। हाँ हाँ, यही है, बोल दिया एक स्कूटी में, ये थैला इसमें है, घर या सब्जी गांव से आ रही है। अब चलते हैं सीधा घर, इसको पहले घर में रख के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी तो ये काम तीसरा ख़त्म हुआ, अभी तो 2-3 काम और हैं, देखते रहो। सो गाइस, घर में पहुंच चुका हूँ, थोड़ा काम जवाब निपटा के, काफ़ी दिमाग ख़राब हो गया इतनी बड़ी धूप में, और अब थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे घर में आके आराम, क्योंकि अभी दोबारा से मेरे को मम्मी के साथ जाना है, अर्जेंट मम्मी को लेने जाना है मेरे को, इनफैक्ट मार्केट में मम्मी आ रही है स्कूल से, तो मम्मी से लेने जाएंगे, तभी मिलूंगा मैं आपसे, ठीक है गाइस। तो गाइस, मैं इस टाइम हूँ, 5 बज रहे हैं, और मैं मम्मी को लेने आया हूँ रेड लाइट में, क्योंकि अब शायद जिस की स्कूल हो चुकी है, तो शाम को हो चुकी है 4:30 सभी बस। तो ये रही रेड लाइट, इधर से आएगी गाड़ी, तो वेट कर रहा हूँ मैं अभी मम्मी का, देखते हैं कब तक आती है, ठीक है। तो गाइस, मेरे को मम्मी मिल चुकी है, और मम्मी जा रही है वहाँ ऊपर, आपको अगर दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये देखो ये इधर, तो शादी है, तो कल देहरादून निकलना है, तो थोड़ा बहुत अभी स्कूल से आने के बाद इधर, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मच्छी मार्केट है, ये पुल है उधर का, ये जोड़ता है आपकी रेड लाइट के पुल को, और उधर से सिग्नल मिल गया कि जाओ, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, अब सीधा चलता हूँ मैं घर, अब आऊँगा मैं थोड़ी देर बाद यहाँ मम्मी को लेने के लिए, फिलहाल पकड़ते हैं गाड़ी और निकलते हैं घर। तो गाइस, मैं घर में हूँ, मैं मम्मी को लेके भी आ गया हूँ, और आपने मेरे को सुबह देखा होगा दिन में कि मैं सब्जी लेने गया था मार्केट, तो चलो मैं बैग खोल के देखता हूँ कि क्या है इसमें। तो ये घरिया करेला, और ये तो घरिया चटिंडा, और क्या क्या है, ये क्या है, ये गिंठी है। तो गाइस, ये गिंठी है, इसे आप स्नैक्स में भी खा सकते हो, और ये आलू के जैसे कुछ दिख रही है, आलू के जैसे ही होती है, इसको उबाल के खाते हैं। और इस वाले कट्टे में क्या है, इसमें लौकी। तो गाइस, ये है लौकी, और शायद से पापा ने इसमें कद्दू भी रहा होगा, ये कद्दू का तो आधा हिस्सा जा चुका है।
ये है कुछ सब्जी जो मैंने आपको ये दिखा दिया, आधा पम्पकिन टूटा हुआ था ये, तो इनमें से शायद से गीठी की सब्जी बना रखी है। मैं दिखाऊंगा आपको कि डिनर में कैसी हुई है, और काफ़ी सही था आज का दिन तो। और कल निकलेंगे हम यहाँ से देहरादून के लिए, दोपहर तक निकलेंगे। वैसे भी कल गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, शायद दोपहर तक निकलेंगे। तो अभी डिनर में आपको दिखाने वाला हूँ कि गीठी की सब्जी कैसी होती है। सो गाइस देखो, सो हे गाइस, डिनर बन के रेडी हो चुका है। जो मैंने आपको दिखाई थी गीठी की सब्जी, वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। साथ में घरेल लौकी भी है, और मैंने तो पहले खा रखी है गीठी की सब्जी, काफ़ी टेस्टी होती है। अगर आपके गांव में भी होती तो बिल्कुल बना के खाना, काफ़ी मज़ा आता है ऐसे खाने में, क्योंकि गाँव का स्वाद तो कुछ अलग ही होता है गाइस। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट, और मेन चीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हाँ, मेरा चैनल देख कैसे मत चले जाना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। अगर अच्छा भी नहीं लगा होगा तो तभी भी बताना कि क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग की जर्नी होगी देहरादून के लिए, तो देखना मत भूलना, पहाड़ी शादी में। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, तब तक के लिए बाय।